नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं DSG न्यूज। देखिए, बिहार का जो कोशी क्षेत्र है वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ आने से लाखों घर जो है वो बेघर हो गए हैं और तटबंध का जो क्षेत्र है उस पर भी पानी का कटाव हो रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशी का क्षेत्र यूं तो हर साल बाढ़ में डूबता है और डूबे हुए लोग बेघर हो जाते हैं, फिर से आकर वहां पर बसने का काम करते हैं और ये दस्तूर जो है वो साल बदर साल चलता ही रहता है। इस बाढ़ के कारण राजनेता भी काफी सक्रिय हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए जरूर पहुंचते हैं और फिर लौट आ जाते हैं। जिस तरह से जल संसाधन मंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं संजय झा, आपने इससे पहले कुछ तस्वीरों में देखा होगा, और वो हवाई सर्वेक्षण करके जो क्षेत्र है उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इस वक्त बताने जा रहे हैं जो हवाई जहाज से नहीं चल रहे हैं, वो पानी में उतर कर चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की। पप्पू यादव लगातार बाढ़ जो पीड़ित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसका दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बेतिया पहुंचे पप्पू यादव, आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक रूप से संतावना दे देते हैं और मदद भी पहुंचा रहे हैं। जी हां, भाजपा मंडल के नेता की हत्या, माफ कीजिएगा, भाजपा मंडल के जो नेता हैं उनकी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मौत हो गई थी, जिनके बाद पप्पू यादव जो है वो उनके घर पर पहुंचे, उनके परिवार से मिले और उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान की। पप्पू यादव सर्किट हाउस में रह करके नीतीश कुमार पर सीधा उन्होंने निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ये कहा है कि एक बार फिर बिहार जो है वो लॉक हो गया है, यानी बिहार जो है वो कैद हो गया है। और क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं ये हम आपको डिटेल में उन्हीं से सुनवाते हैं, देखिए वीडियो। मतलब जनता के संकट में आपको ये लुटेरे और उन्मादी और नफरत पैदा करके राजनीति करने वाले आदमखोर नहीं मिलेंगे। इन नेताओं के पूरे परिवार को नदी के भीतर पंडी में एक सप्ताह रखा जाए। बांध जाने परसों तब पता चलेगा इन्हें कि आम आदमी का दर्द क्या होता है, आम आदमी जिंदगी कैसे जीते हैं। मैं तो कहूंगा इस सिस्टम को, गरीब को अब मत रखो, मार दो, फिनिश करो। जिस तरीके से गरीबों को ये रखा है इससे बेहतर है उसको खत्म कर दो। जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं गरीब, ये हालात है। ये एक एक जनता का पैसा ये लोग बाढ़ में लूटता है और जो लोगों की घर क्षतिपूर्ति, फसल क्षतिपूर्ति, सभी तरह का ऋण माफ करिए आप, एक फसल नहीं बची, धान अभी रोपा गया था बर्बाद हो गया, पहले रबी फसल आप बर्बाद कर दिए, कोरोना वायरस में आपने योग पैकेज नहीं दी और अब बाढ़ ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दी और 4 महीने का लॉकडाउन मिडिल क्लास को कलेप्स कर दिया, बचा क्या? यहां 600 करोड़ का एसोलेशन वार्ड बनाए हॉस्पिटल, ये ठेकेदारी और पैसा वो सुनने का था। जिस बिहार में 1000 वेंटिलेटर ना हो, जिस बिहार में 60% डॉक्टर ना हो, जिस बिहार में इक्विपमेंट्स ना हो, एसोलेशन वार्ड बना दिया और वीडियो वायरल होने के बाद आदमी मर जाता है। सरकार कहती है डायबिटीज था, तब तो हर डायबिटीज को मर जाना चाहिए। MLC मर गए उसको कौन डायबिटीज था, राजकिशोर मर गए उसको कौन डायबिटीज था, बिंदी मर गए उसको कौन डायबिटीज था, सिवान में चलते हुए मर गए उसको कौन डायबिटीज था, बेतिया में 2 लोग मरे कोरोना में और कितने मरे होंगे कहना मुश्किल है। मैं वार्ड की बात बता रहा हूं, इंक्वायरी होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए और सिंचाई विभाग के मंत्री को बर्खास्त करिए। इस इलाके में जो जो जिस बांध टूटा है
वहां के सारे पदाधिकारी पर एफआईआर लॉजो, ठेकेदार पर हो, अन्यथा अगले सप्ताह बाढ़ के सिंचाई के सवालों पर हम पीआईएल फाइल करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। बांध पर बांध टूट रही हो, मिट्टी जिस बोरा को बांध पे लगना है वो लगना नहीं है, बांध पे बनने के लिए प्लेट की जरूरत है वो लगना नहीं है, बस सालों भर काम होंगे लूटने के लिए, मिट्टी और 10 बोरा देने के लिए, और अरबों खरबों लूटे जाएंगे जब बारिश और फ्लड, और फिर हम नेपाल पर थोप देंगे, जबकि नेपाल अलग कंट्री है, इंडिया दूसरी कंट्री है। मैं अपने आत्मनिर्भर की बात करूंगा ना, मैं कैसे बचूं, नेपाल पर मैं कैसे थोप सकता हूं? सिंचाई मंत्री बर्खास्त हो हर परिस्थिति में, चाहे वो सुंदर घाट का मामला हो, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर अभी तक बर्खास्त नहीं हुए, 8 सालों तक वो काम चलता रहा, हर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वशिष्ठा कंपनी ने पैसा दिया, मैं पीआईएल फाइल कर चुका हूं और अब एफआईआर लॉन्च करूंगा सिंचाई मंत्री से लेकर एक एक पदाधिकारी पर, जिन लोगों ने कंप्लीट रूप से आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाया है, जनता के पैसे दोनों तरीके से, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत और बिहार की जितनी योजना है बाढ़ इलाके में काम होता ही नहीं है, और बाढ़ के समय कहा जाता है कि काम हुआ था और पुल टूट गए, कितने पुल टूटे हैं, लगभग 5 पुल तो टूट चुके अभी तक बेटिया में, लोड़िया से लेकर के मझोलिया से लेकर के, कहां है मंत्री, क्यों गायब है, कहां है बीजेपी के अध्यक्ष, अरे डबल इंजन की सरकार है, पूरा बेतिया तबाह हो जाता है अध्यक्ष जी, शहर नर्क बन जाता है, बेतिया के शहर के लोग जीने पर मरने पर मजबूर हो जाते हैं, ये सब क्वारंटाइन है, 5 महीने से क्वारंटाइन, बीजेपी ऑफिस में जमाती ढूंढ गया, 176 हम 4 महीने से सड़कों पर हम पॉजिटिव नहीं हुए, ये लोग घर में बैठे पॉजिटिव हो गए।